नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता पाचवीच्या हिंदी विषयाच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आज आपण या व्हिडिओमधून एक वेगळा पाठ पाहणार आहोत हा पाठ आपल्या हिंदीच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे दुसऱ्या इकाईमध्ये ज्याचं पान नंबर एकोणपन्नास आहे आणि या पाठामधून आपल्याला रस्त्यावर आपण प्रवास करताना आपल्याला अनेक प्रकारची चिन्ह दिसत असतात आणि प्रत्येक चिन्हाचा अर्थ वेगळा असतो अशाच पद्धतीच्या काही चिन्हांचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा आहे ओळख करून घ्यायची आहे त्यासाठी हा पाठ दिलेला आहे पुस्तकामध्ये पान नंबर एकोणपन्नासवर अठरावा धडा दिलेला आहे आणि या अठराव्या धड्याचं नाव आहे चले चलो तर चला विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता हा जो धडा आहे तो धडा आपण इथे शिकणार आहोत बघा या पुढच्या या पुढच्या स्लाईडमध्ये धड्याचं जे पान आहे ते धड्याचं पान तुम्हाला या ठिकाणी मी दाखवतो स्क्रीनवर तुम्हाला सर्वांना ते दिसतंय आपण सर्वजण या चित्रावरनं हा धडा शिकणार आहोत मी तुम्हाला मागाशी सांगितल्याप्रमाणे अठरावा धडा आहे ज्याचं नाव आहे चलो चले वरती काळ्या अक्षरामध्ये एक सूचना आपल्याला दिलेली आहे मार्ग बतावो म्हणजे बघा पेपरमध्ये वगैरेसुद्धा हे खेळ येत असतात किंवा आत्ताच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सुद्धा तुम्ही बऱ्याच प्रकारचे खेळ खेळले असाल ज्याच्यामध्ये लुडो असेल सापशिडी असेल त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा मार्ग असतो त्या मार्गाने आपल्याला जावं लागतं आणि जो कोणी पहिल्यांदा पोचेल तो त्या खेळातला विजेता था ठरवला जातो था असा सापशिडीसारखा एक खेळ आहे तो खेळ काय आहे आपण आता समजावून घेऊ बघा या चित्रामध्ये तुम्ही अगदी स्पष्टपणे पाहू शकता विविध प्रकारचे चिन्ह आणि त्या चिन्हांना नावं दिलेली आहेत आपण सुद्धा हायवेने प्रवास करत असताना मग ती बसने असेल आपल्या स्वतःच्या गाडीतना असेल जेव्हा आपण प्रवास करत असतो त्यावेळेस रस्त्यावर आपल्याला अनेक प्रकारचे चिन्ह दिसत असतात कधी रस्त्यावर पांढऱ्या रेषा दिलेल्या असतात कधी रस्त्यावर तिरप्या पांढऱ्या रंगाच्या रेषा दिलेल्या असतात किंवा मग रस्ता असेल तर रस्त्याच्या मध्यभागी सफेद रंगाच्या तुटक तोटक रेषा आपल्याला दिसतात अशा पद्धतीच्या अनेक चिन्ह असतात पण या चिन्हांचा काहीतरी अर्थ असतो आता इथे चिन्ह चिन्हांनी त्यांचे नावं दिलेले आहेत या नकाशावरनं आपल्याला या सगळ्या गोष्टी आता शिकायच्या आहेत सुरुवातीला बघा या चित्रामध्ये खाली एक लाल रंगाची गाडी दिसते आणि त्या गाडीमध्ये ते दोन मित्र आहेत त्या दोन मित्रांचं नाव आहे गोलू आणि भोलू आता हे दोन्ही गोलू आणि भोलू हे या शहरात आलेले आहेत आणि या शहरातून त्यांना वरती दिसणारं जे पेंगवींचं घर आहे त्या पेंग्विनच्या घरी त्यांना जायचं आहे ठीक आहे ना तर आता आपल्याला काय करायचं आहे गोलू आणि बोलूला पेंगवीनपर्यंत जाण्याचा रस्ता आपल्याला दाखवायचा आहे आता सुरवातीला आपण हा खेळ खेड़ खेळून घेऊ आणि मग धड्यामध्ये असणारे जे विविध चिन्ह आहेत त्या चिन्हांचा आपण अभ्यास करणार आहोत आता बघा गोलू आणि बोलूची गाडी आपल्याला दिसते आणि त्यांच्या गाडीच्या पुढे तो सफेद रंगाचा बांध दाखवला आहे बरबर है कि नहीं तो अभी क्या करना है हमें गोलू और भोलू को अच्छे रास्ते से लेकर पेंगविंग के घर तक पहुंचाना है तो अभी चलो गोलू और भोलू के यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से वह सफेद रंग का बांध वहाँ पे हमें दिखाई देता है उस बांध से हमें उस दिशा की उस मार्ग की शुरुआत करनी है देखो आगे पक्की सड़क नाम लिखा है तो अभी गोलो और भोलो की गाड़ी क्या करेगी उस पक्की सड़क से आगे जाएगी बराबर है आगे जाने के बाद सिग्नल दिखाई दे रहा है बराबर है अभी यही रास्ते से अगर वह सीधे गए तो वह किले की तरफ जाएंगे और किले के आगे रास्ता नहीं है बराबर है ना तो उनको क्या करना पड़ेगा सिग्नल से जाकर उनको वहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा बरोबर आहे की नाही वाको बाई ऑर मोडना पडेगा म्हणजेच ते काय करतील आता पुढे आल्यानंतर सिग्नलवरून बुद्धविहारपासून पुढे सरळ जातील आलं लक्षात पुढे सरळ गेल्यानंतर त्यांना काय करावं लागेल परत दाई ऑर म्हणजे बगीच्या बाजूला वळावं लागेल बरोबर बगीचाच्या बाजूला वळाल्यानंतर ते सरळ पुढे जातील त्यांना पुढे समता विद्यालय लागेल समता विद्यालयाकडून पुढे जर सरळ गेले तर ते अस्पतालमध्ये पोहोचतील अस्पताल म्हणजे दवाखाना पण अस्पतालच्या पुढे जायला रस्ताच नाही आहे आणि पेंगवींचं घर तर दुसरीकडेच राहतं आहे बरोबर आहे ना मग समता विद्यालयापासून पुढं आल्यानंतर काय करावं लागेल परत त्यांना एकदा वळावं लागेल आणि पुढे आल्यानंतर मग पगडंडी आणि तिथून पुढे आल्यानंतर मग त्यांना तो जो सरळ जाणारा रस्ता आहे तो सरळ जाणारा रस्ता तिथून मग ते पेंगवींच्या घरापर्यंत पोचतील म्हणजे आपण या नकाशामध्ये गोलू आणि भोलूला पेंगवींच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं आता आपल्याला काय करायचं आहे याच्यामध्ये असणारे जे छोटे छोटे चिन्ह आहेत ते चिन्ह आपण समजून घेऊ सुरुवातमे देखो उनकी जो गाडी खडी आहे उस गाडी के ऊपर जलाशय का चित्र दिख रहा है जलाशय मतलब तालाब में आया ना उसके बाजू में देखो हरी रेलवे एक हरी रेलवे मुझे का है इस प्रकार की रेलवे जहाँ पर एक समय एक ही गाड़ी जा सकती है मतलब वहाँ पे एक ही पटरी वाली पटरी वाला मार्ग रहता है एक गाड़ी एक जगह से जा सकती है अगर दूसरी गाड़ी जानी हो तो उसे सिग्नल दिया जाता है और पहली गाड़ी निकल जाने के बाद दूसरी गाड़ी को वहाँ का रास्ता खुला हो जाता है उसके बाद देखो पुल दिखाई दे रहा है बराबर है कि नहीं नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से पुल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पशु अस्पताल दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से देखो जो मनुष्य होता है वह जब बीमार होता है वह अस्पताल जाता है बराबर है ना उसी प्रकार से पशुओं के लिए भी अस्पताल होता है वहाँ पे सारे पशुओं को पशुओं का इलाज किया जाता है जैसे गाय हो भैंस हो बकरी हो समझ में आया ना, बैल हो या फिर जंगल में रहने वाले कोई भी पशु हो इन सभी का उस अस्पताल में इलाज किया जाता है उसके बाद किला है उसके बाद है बगीचा समझ में आया ना, बगीचे में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं वह बगीचा हमें दिखाई दे रहा है उसके बाद है गिरजाघर गिरजाघर मतलब क्या पुराने समय गांव के बीचों बीच एक ऐसा इमारत जैसी एक जगह रहती थी वहाँ पे लाइट जलाया जाता था और उस लाइट के वजह से समझ में आता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गांव है या लोगों की यहाँ पे वसाहत है समझ में आया ना वह गिरिजाघर है उसके बाद ये समता विद्यालय अभी समता विद्यालय उसके पास देखो एक फलक हमें लगा हुआ दिखाई देता है जो लाल रंग का है त्रिकोण उसमें एक लड़का और लड़की का चित्र हमें दिखाई दे रहा है मतलब रास्ते में यह फलक क्यों लगाया गया है क्योंकि यातायात करने वाली जो गाड़ियां है वाहने हैं उन वाहनों का जो स्पीड रहता है उनकी जो गति रहती है वह गति उन्हें कम करनी चाहिए क्योंकि नज़दीकी विद्यालय होने के कारण वहाँ पे बच्चों का आना जाना होगा और इसलिए रास्ते से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो यातायात है वह धीरे से होनी चाहिए इसलिए इस प्रकार का फलक वहाँ पे लगा हुआ में दिखाई देता है उसके बाद देखो अस्पताल अस्पताल मनुष्य जब बीमार होता है तब अस्पताल में जाता है और उस अस्पताल के बाजू में ही एक गोल रंग की पार्टी हमें गोल आकार की पार्टियाँ हमें दिखाई देती है बराबर है ना? और उस पर हॉर्न का चिन्ह देकर उसके ऊपर भी एक लाल रंग की रेखा दी गई है तो इसका मतलब क्या है कि जिस जगह अस्पताल होता है वहाँ हमें क्या करना चाहिए शांति रखनी चाहिए उस जगह हमें क्या करनी चाहिए शांति रखनी चाहिए समझ में आया ना शांति रखने से क्या होगा अस्पताल में इलाज लेने वाले जो लोग हैं उन लोगों को शांति मिलनी चाहिए जितनी शांति होगी वह उतने जल्दी अच्छे हो जाएंगे इसलिए अस्पताल के आसपास का सभी इलाका शांति क्षेत्र में समाविष्ट किया हुआ हमें दिखाई देता है उसके बाद पगड़ंडी हमें दिखाई देती है पगडंडी मतलब क्या पैदल जाने वाला रास्ता पगडंडी मतलब क्या पैदल जाने वाला रास्ता जिस रास्ते से गाड़ी नहीं जा सकती हमें क्या करना पड़ेगा सड़क के बाजू में ही हमारी गाड़ी रुका कर हमें पगडंडी से पैदल मंदिर तक जाना होगा तो यह पगडंडी मतलब पैदल जाने वाला रास्ता उसके आगे देखो इधर कच्ची सड़क है कारखाना है दलदल -दल है कच्ची सड़क मतलब आपको मालूम है कि जिस सड़क पर वाहनों की यातायात नहीं होती उस प्रकार की सड़क जहाँ जिसे हम कच्ची सड़क कहते हैं उसके आगे है कारखाना है उसके आगे है दलदल दलदल -दल मतलब क्या है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से भीग जाती है और वहाँ पे कीचड़ होता है और कीचड़ बनने से वह जगह दलदल जैसी हो जाती है समझ में आया तो इसे दलदल कहते हैं इस प्रकार के बहुत सारे चिन्ह हैं जो चिन्ह हम लोग देखने के बाद उसका अगर थोड़ा विचार करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यह कौन कौन से चिन्ह है और उनका क्या क्या अर्थ हो सकता है इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर सा चित्र हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस चित्र के माध्यम से हम लोगों को नए नए चिन्ह भी समझ में आ गए और हमने इस खेल के माध्यम से गोलू और भोलू को भी उनका दोस्त जो है पेंगविन उस पेंगुइन के पास उनको पहुंचाया गया है इस प्रकार से यह चले चलो नामक इस पाठ में इस वीडियो के माध्यम से आपको यह सारी बातें ध्यान में आ गई होगी इस प्रकार के सांकेतिक चिन्ह जब जब आपको दिखेंगे तब तब आपको सोचना है कि यह चिन्ह किस प्रकार का होगा और किस प्रकार से इस चिन्ह का अर्थ हो, क्या होगा इसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा तो यह एक छोटे से पाठ्य के माध्यम से हम लोगों ने यह नई बात आज सीखी है आप सभी को यह वीडियो देखने के बाद पसंद आया इस प्रकार से यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अभी इस वीडियो पर आधारित इस पाठ्य पर आधारित मैं कुछ गृह कार्य आपको देता हूँ वह गृह कार्य ऐसा है कि इस चित्र में आए हुए अलग अलग चिन्ह आपको अपने कापी में लिखने हैं और उसके आगे उसका अर्थ लिखना है म्हणजेच तुम्ही याच्यावर आधारित गृहपाठ काय करायचं आहे की याच्यामध्ये आलेली जी विविध चिन्ह आहेत ती चिन्ह तुम्ही वहीमध्ये तशीच्या तशी काढायची त्याला काय नाव आहे ते लिहायचं आणि त्याचा अर्थ काय आहे ते थोडक्यात लिहायचं आहे कमीत कमी पाच चिन्ह तुम्ही लिहायचे आहेत लक्षात आलं पुन्हा एकदा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद